Again, we all are here to discuss about the basics of trigonometry with me. And today we are going to discuss क्या discuss करना चाहते हैं. Last video में हम लोगों ने जाना था about the angles, acute angle, obtuse angle, then right angle, complement angle, supplements angle. ये सब चीजों के बारे में बड़ा detail में हम लोगों ने बताया था. ट्रिग्नोमेट्री बोलने के बाद ट्रायंगल आना है, ट्रिग्नोमेट्री बोलने के बाद वहाँ पे राइट एंगल आना है, ट्रिग्नोमेट्री बोलने के बाद वहाँ पे दुनिया भर के तामझाम आने हैं. और ये दुनिया भर के तामझामों को सॉल्व करने के लिए हमें बेसिक्स कुछ चीज़ों की नीड, और वो नीड को फुलफिल करने के लिए आइएगा जानते हैं हम कुछ चीज़ें बहुत ही बेटरमेंट के साथ. कथकली में मैथ्स का क्या काम सोच रहे होंगे, भरतनाट्यम में मैथ्स का क्या काम. ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बोलने के बाद, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला, एवरीवेयर आपके डेली रूटीन में, आपके डेली लाइफ में, आपके रियल लाइफ में, हर एक जगह पे ट्रिग्नोमेट्री बसती है. हमें सिर्फ उसको उस नजरिए से देखना. नाउ सी, व्हेन वी आर कंपैरिजन, टेकिंग द कंपैरिजन बिटवीन द टू टर्म्स, ठीक है. So we need of some patterns, we need of some trigonometric function like sine theta, cos theta, tan theta, cot theta, sec theta and cosec theta. देखिए बेटा, जितना मजे से आप ये चीजों को पढ़ोगे उतना वो बेटर. मैं हर एक बार, हर एक टॉपिक में, हर एक आपके वीडियो में एक छोटा सा क्ल्यू आपके लिए छोड़ती. यहाँ पे भी मैंने कथकली वाले दो लेडीज को यहाँ पे रखा है, एंड दैट बोथ द डांसर्स आर इन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. सो आज का आपका टास्क है कि क्यू ये दोनों के बीच में ट्रिग्नोमेट्री लेके क्या करेंगे. फिर से वही, आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के भेजोगे कि क्या रिलेशन है. और सोचिएगा, ये ट्रिग्नोमेट्री अगर बेसिक लेवल पे इतना इंटरेस्टिंग है तो ये जितना 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 हम लोग आगे बढ़ेंगे ये कितना इंटरेस्टिंग होगा. तो आइएगा एक बार रिवाइज करते हैं, रिपीटेशंस करते हैं, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चनरीज को सॉल्व करेंगे. तो सी, फर्स्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एज वी ऑल नो दैट कि द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा विच इज नथिंग बट द अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. ये इसलिए आपके दिमाग पे हैमर करा के दे रही हूँ ताकि आगे के दो साल हमें रुकना नहीं है, हमें झुकना नहीं है, और ना ही हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में कंफ्यूज्ड होना. बिकॉज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बाद नेक्स्ट नंबर जो आएगा वो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का. फंक्शन थोड़ा अलग है, फंक्शन माने कार्य. जब तक के हमें रेशियो का पूरा इतिहास नहीं पता, हम लोग फंक्शंस के बारे में डिटेलिंग नहीं दे सकते. और उसी वजह से फंक्शंस के बारे में फिर से एक बार जानते हैं. देखिए, अ वेल सेटल, वेल नीट एंड क्लीन डायग्राम यहाँ पे बनी हुई है, जहाँ पे वी आर कंसिडरिंग अ ट्रायंगल ए बी एंड सी. नाउ इन दिस ट्रायंगल ए बी सी, द साइड ए बी इज कंसिडरिंग एज द अल्टीट्यूड, whereas side BC is considered as a base or the opposite. इसे opposite इसलिए मत बोलिएगा क्योंकि आपका angle अगर ये है, ठीक है. मैं कोई confusion नहीं चाहती बेटा, रुक जाइए, मैं आपको clear करा के देती. अगर मैं ये वाला angle consider करूँ for the angle A, तो angle A के सामने जो आया वो हुआ opposite. clear हुई कहानी. अगर मैंने कौन सा एंगल कंसिडर किया ए, तो उसके सामने आने वाली साइड यानी मेरे लिए वर्क किसका करेगी, अपोजिट का. इफ आई कंसिडर द एंगल सी, तो एंगल सी के सामने जो साइड आ गई वो साइड भी हो गई उसकी अपोजिट. कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना, इसलिए हम लोगों ने फिर इसको नाम दे दिए अल्टीट्यूड. इसीलिए वो चीज ऑब्लिक में लिखी हुई. बात क्लियर. नाउ सेकंड, इफ यू आर कंसिडरिंग द एंगल ए, उसको लग के जो साइड है दैट इज अवर एडजेसेंट साइड, ठीक है. व्हेन वी आर कंसिडरिंग द एंगल सी, उसको लग के जो साइड है दैट इज कंसिडरिंग एज अ बेस. तो डिपेंड कर रहा आपने एंगल कौन सा कंसिडर किया है. एट अ टाइम वी आर कंसिडरिंग टू डिफरेंट एंगल्स ए बी सी, कंसिडरिंग द एंगल ए. नाउ ऑन द सेम डायग्राम
इफ यू आर कंसिडरिंग ऑन द एंगल सी, सो ए बी सी दैट बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स. नाउ व्हेन वी आर कंसिडरिंग साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी अपॉन ए सी, वो समय पे सोचो सर कि आपके पास थीटा यानी कौन से वर्टेक्स पे होगा, या सोचिएगा कि अगर मेरे जहन में ये चीज क्लियर है साइन थीटा इज नथिंग बट द अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. क्लियर है ये हमें सभी को, क्लियर है कि साइन थीटा यानी क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. अगर मैंने इसे लिखा है ए बी अपॉन ए सी, तो थिंक ओवर इट, ए बी ये हुआ, ए सी ये हुआ, इसका मतलब एंगल थीटा रिप्लेस्ड बाय सी. सो हम कहानी किसके लिए बना रहे हैं, सी के लिए, एंगल सी के लिए. फिर से बी सी अपॉन ए सी अगेन फॉर द एंगल सी, देन टैन थीटा इज इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू रेसिप्रोकल किसका लेंगे, कल भी पढ़े थे कौन किसका रेसिप्रोकल बनता है बेटा, कौन किसका रेसिप्रोकल बनेगा, साइन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कोसेक, देन कॉस इज द रेसिप्रोकल ऑफ सेक एंड टैन इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉट. ये एक दूसरे के क्या है, ये रेसिप्रोकल्स है. अभी इनमें और क्या क्या रिश्तेदारी बनती है वो देखते हैं. नाउ सी एग्जैक्टली होता क्या है या क्या होने को चाहिए. जब हम लोग रिलेशनशिप्स को मेंटेन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में विद द साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड विद द कोसेक, ठीक है, वी आर प्लेइंग विच ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कोसेक, हम लोग इसके बारे में सोच रहे हैं. हर एक रिलेशन का अपना कोई ना कोई रिश्तेदार यहाँ पे बना हुआ. जैसे साइन थीटा का रिश्तेदार कौन है, कोसेक, वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स है. मैं बोलूँ 4, तो रेसिप्रोकल ऑफ 4 कौन हुआ, 1/4, वेरी गुड. इफ आई से 1/9, सो रेसिप्रोकल ऑफ 1/9 कौन हुआ, सिंपली 9. रेसिप्रोकल करना माने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को पलटा देना, तो वो क्या हुआ हमारे लिए, इट बिकम्स अ रेसिप्रोकल फॉर्म. नाउ कॉस थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ, किसका रेसिप्रोकल हुआ ये, सेक थीटा का. एंड द लास्ट वन टैन थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ, किसका, कॉट थीटा. जब ये रेसिप्रोकल्स फॉर्मेट बनते हैं, साथ ही साथ बाय यूजिंग अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल हमारे पास आइएगा, हमारे पास कुछ फंडामेंटल आइडेंटिटीज बनते हैं. मैं आपको एक आइडेंटिटी समझा के देती हूँ, देखिएगा. इफ यू आर कंसिडरिंग अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, क्या कहानी होती है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की, तो अ सर्कल हुज सेंटर इज एट ओरिजिन, कुछ इस तरीके से, विच इज एनक्लोज्ड इन द एक्स एंड वाई एक्सिस. The point of intersection of x and y axis are known as the origin with the coordinate 0, 0. Revise कीजिएगा ये चीज को. मैंने कौन से टाइप के सर्कल के बारे में कहानी बोली, तो I said standard unit circle. And when we are talking about this standard unit circle, इसकी खासियत ये होती है, इसका सेंटर ये रहेगा एट द ओरिजिन विद कोऑर्डिनेट 0, 0. सो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल विद द सेंटर एट ओरिजिन, सो कोऑर्डिनेट 0, 0. विद यूनिट बोलने के बाद इट हैज अ रेडियस ऑफ 1 यूनिट, इसकी रेडियस कितना होगा बेटा, तो 1 यूनिट हो जाएगा, ठीक है. अभी इसमें और थोड़ा सा आगे जाते हैं. सी हम लोग क्या कराते हैं, वी आर टेक अ पॉइंट पी विद द कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई ऑन सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल. मैंने सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, हाईलाइट कीजिएगा उसको, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल पी, मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया पी विद द कोऑर्डिनेट्स एक्स कॉमा वाई. उसके बाद ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं फ्रॉम द पी से ऑन द एक्सिस, नाम देते हैं एम, इट मीन्स पी एम. क्लियर हुआ. अभी
PM परपेंडिकुलर है, ये डिस्टेंस कवर करेगा. सो दिस मच लेंथ विच इज पैरेलल टू द y एक्सिस बाय जॉइनिंग दिस टू पॉइंट्स, इट मीन्स इट इज रेडियस r एंड दिस डिस्टेंस इज अ x. मैं दो आपको फॉर्मूले बता रही हूँ, आप उसको हाईलाइट करिएगा. डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द x एक्सिस इज y कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस इज x कोऑर्डिनेट. क्लियर? Distance of a point from x-axis is y-coordinate and distance of a point from y-axis is a x-coordinate. Now see, in figure, length of OM is equal to x. Length of PM is equal to 1, whereas length of OP is equal to r. Clear hua beta itta sabka? Now by using the trigonometric ratios, sin theta is equal to, so theta कहाँ पे बनने को, इस position पे रहेगा हमारा theta. Opposite कौन हुआ theta के, upon hypotenuse r, but the value of r is equal to 1 and y upon 1 means y. So हमें क्या कहानी मिल गई यहाँ पे, we having the value sin theta is equal to 1. नोट डाउन करिएगा इसको पटाफट. वी आर कंसिडरिंग द वैल्यू साइन थीटा इज इक्वल टू वाई. ये फर्स्ट पार्ट हुआ. सेकेंड पार्ट के लिए कॉस थीटा, विच मीन्स चल ये हुआ आपका थीटा. थीटा को एडजस्टेंट कौन चल रहा, लेंथ ऑफ ओ एम, तो लेंथ ऑफ ओ एम बना एक्स अपॉन आर, दैट इज एक्स अपॉन वन, विच मीन्स एक्स, इट मीन्स कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स. क्लियर हुआ बेटा सबको इतना कहानी. साइन थीटा इट मीन्स वाई, कॉस थीटा इट मीन्स एक्स. कैसे आया, तो वी आर कंसिडरिंग अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, देन वी आर कंसिडरिंग अ पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर विच मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एंड फिर आगे की प्रोसेस. ये सब कुछ हो जाने के बाद, आप नोट डाउन करिएगा आपके बुक में, ये सब कुछ हो जाने के बाद हमारी कहानी में ट्विस्ट क्या है. हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस को ला के रखते, ये सबका लिख के हो गया बेटा. गुड. सी नाउ एज पर द पाइथागोरस थ्योरम हमें करना क्या है, ये हाइपोटेनस है जो कि हमें पाइथागोरस से ओ एम स्क्वेयर प्लस पी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वेयर देगा ये वैल्यू. बट लेंथ ऑफ ओ एम इज इक्वल टू एक्स, इट मीन्स एक्स स्क्वेयर. लेंथ ऑफ पी एम इज इक्वल टू y, it means y square, and length of OP is, and the length of OP is equals to r square. Clear हुआ इतना? अभी फिर से हम लोग थोड़ा सा flashback में जाते हैं. Flashback में हमारे पास पूरा theory बना हुआ है. So theory में से हम लोग उठाते हैं, x का मतलब होता है cos theta, y का मतलब होता है sin theta, radius 1 unit है इसलिए length of OP होगा 1. So, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, डालते हैं वैल्यूज को और करते हैं आगे का जुगाड़. सो एक्स का मतलब क्या डालना है हमें, कॉस थीटा. सो ये बना कॉस थीटा स्क्वेयर. वाई का मतलब हुआ साइन थीटा स्क्वेयर एंड आर स्क्वेयर मीन्स वन स्क्वेयर विच इज आल्सो मीन्स कॉस थीटा स्क्वेयर बिकम कॉस स्क्वेयर थीटा, साइन थीटा स्क्वेयर बिकम साइन स्क्वेयर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू वन स्क्वेयर, इट्स ओनली वन. कमोटेटिव लॉ ऑब्वियस होता है. अब दो में तीन मिला लो चाहे तीन में दो मिला लो, मिलना तो हमको पाँच ही है भैया. वही लॉजिक से दिस बिकम साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू वन, विच इज नोन एज द फर्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. ये ट्रिग्नोमेट्री की सबसे पहली सबसे बेसिक फंडामेंटल आइडेंटिटी है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा इज इक्वल्स टू वन. देखिए पटाफट रिवाइज करा लेते. वी आर कंसिडरिंग अ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल विद द सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस इज वन यूनिट. देन वी ड्रॉ परपेंडिकुलर, कंसिडर अ पॉइंट. सो बाय द डेरिवेशन वी आर गेटिंग एक्स इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा. ऑफ द वर्ड we are using the Pythagoras theorem and prove the identity sin square theta plus cos square theta is equals to 1. इसी आइडेंटिटी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.